सब्सिडियरीज इन्वॉल्व होंगे, यह फिक्स्ड नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कभी कभी एक इंटरमीडियरी प्रेजेंट हो सकता है तो कभी कभी एक से अधिक भी इंटरमीडियरीज प्रेजेंट रह सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स प्रोडक्ट टाइप, टारगेट मार्केट और डिग्री ऑफ कंट्रोल पर डिपेंड करता है। आगे कंपनी को इन सारे फैक्टर्स को केयरफुली इवेल्युएट करना चाहिए ताकि कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को सेलेक्ट कर सके और प्रॉपरली टारगेट कस्टमर्स तक पहुंच सके। आगे अगर बात डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के स्टेजेस की है तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का स्टेजेस प्रोडक्शन से स्टार्ट होकर आफ्टर सेल सर्विसेज तक चलता है। प्रत्येक स्टेज को ऑप्टिमाइज करके कंपनीज यह इंश्योर कर सकती है कि प्रोडक्ट और सर्विस राइट टाइम में, राइट प्लेस में और राइट क्वांटिटी में कस्टमर्स तक पहुंचे। इससे सेल्स तो इंक्रीज होता ही है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस भी बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के अलग अलग स्टेजेस को पढ़ते हैं। पहला स्टेज है प्रोडक्शन एंड असेंबली। इस स्टेज में प्रोडक्ट्स का ओरिजिन होता है। यह एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो सकता है, एक फार्म हो सकता है या होम बेस्ड बिजनेस भी हो सकता है। इस स्टेज में रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और फिर गुड्स का पैकिंग होता है और नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। इस स्टेज में पैकेजिंग, लेबलिंग और इनिशियल क्वालिटी चेक से जुड़ा डिसीजंस लिया जाता है। और हाँ, यही सब फैक्टर्स और कंपोनेंट्स आगे चलकर कस्टमर्स के परसेप्शन को प्रभावित करता है। अगला स्टेज है वेयरहाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सारे प्रोडक्ट्स डायरेक्टली प्रोडक्शन से कस्टमर्स तक नहीं पहुंच जाता। बहुत सारे प्रोडक्ट्स वेयरहाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेजेस में भी एंटर करते हैं। यहाँ गुड्स बल्क क्वांटिटीज में स्टोर किया जाता है ताकि ऑर्डर फुलफिलमेंट को इफेक्टिवली पूरा किया जा सके और साथ ही साथ सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। इन्वेंट्री लेवल्स को मैनेज करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से प्रोडक्ट का स्मूथ फ्लो के लिए यह स्टेज बहुत क्रूशियल होता है। अगला स्टेज है होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। इस स्टेज में होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पिक्चर में आते हैं। होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर से बल्क में गुड्स को परचेज करते हैं, फिर थोड़े थोड़े क्वांटिटी में रिटेलर को बेचते हैं। इससे सभी को फायदा होता है। बल्क में परचेज करने से होलसेलर्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लार्ज क्वांटिटी में परचेज करने का फायदा मिलता है। रिटेलर्स अलग अलग होलसेलर से जुड़े छोटे छोटे क्वांटिटी से प्रोडक्ट के अलग अलग वैरायटी का स्टॉक होल्ड कर पाते हैं और जब बल्क में सेल्स होता है तो मैन्युफैक्चरर पूरा फोकस प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा पाता है क्योंकि उसे फिर सेल्स के बारे में कम सोचना होता है। अगला स्टेज है रिटेलर्स और डायरेक्ट सेल्स। यह फाइनल स्टेज होता है जहां पर कस्टमर्स का सामना प्रोडक्ट से होता है। रिटेलर्स प्रोडक्ट्स को फिजिकल स्टोर के माध्यम से या ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से कस्टमर्स तक पहुंचा पाता है। आगे रिटेलर्स होलसेलर से प्रोडक्ट को परचेस करके कस्टमर्स को अवेलेबल करा सकता है या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेस करके कस्टमर्स को अवेलेबल करा सकता है। अगला स्टेज है आफ्टर सेल सर्विस एंड सपोर्ट। अगर ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिटेलर्स और डायरेक्ट सेल्स ही लास्ट स्टेज होता है। वहीं दूसरी ओर अगर मॉडर्न व्यू की माने, होलिस्टिक अप्रोच की माने, तो आफ्टर सेल सर्विसेज और सपोर्ट भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इस स्टेज में प्रोडक्ट रिटर्न से जुड़ा एक्टिविटीज, वारंटी क्लेम्स, रिपेयर्स और कस्टमर इंटरेक्शन से जुड़ा एक्टिविटीज इंक्लूडेड होता है। इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विसेज न केवल कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इनहेंस करता है बल्कि वैल्यूएबल फीडबैक इकट्ठा करने में भी हेल्प करता है ताकि प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हो सके और कंपनी फ्यूचर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को आसानी से फ्रेम कर सके।